मेरा नाम मनीषा मेहता है और मैं आपकी अपनी क्लिनिकल डाइटिशियन और स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और मैं बेकार के ज्ञान से पक चुकी हूँ। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी पांच चीजों के बारे में जो सो कॉल्ड फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी न्यूट्रिशनिस्ट आपको हेल्दी रहने के लिए या वेट लॉस करने के लिए बताते रहते हैं। तो आज हो ही जाए विज्ञान और बेकार के ज्ञान का फेस ऑफ। देखो मेरे हिसाब से तो ये सब सही है, वो तो देखेंगे। ओके देन, फर्स्ट ब्राउन राइस व्हाइट राइस से बेटर होता है। ओके, ये रहा ब्राउन राइस और व्हाइट राइस का कंपैरिजन। कैलोरीज ऑलमोस्ट सेम, फाइबर कंटेंट ऑलमोस्ट सेम, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम, और ब्राउन राइस को बनाने में ज्यादा टाइम लगता है। इसका मतलब उसके अंदर फ्यूल कंजम्पशन भी ज्यादा होगा, उसका कॉस्ट भी ज्यादा लगेगा और उसके अंदर न्यूट्रिशनल डैमेज भी ज्यादा होगा। और इसके अलावा ब्राउन राइस के अंदर प्रोसेसिंग के टाइम पर एक स्टेप कम इन्वॉल्व होता है, फिर भी उसका कॉस्ट ज्यादा होता है। सो आई डोंट नो ब्राउन राइस व्हाइट राइस से बेटर कैसे है। ओके नेक्स्ट, रोटी छोड़ दो, ब्राउन ब्रेड खाना शुरू कर दो। ओके, रोटी पर अगर घी नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, लेकिन ब्रेड को बनाने के लिए चाहे वो किसी भी चीज से बनी हो उसके अंदर ट्रांस फैट या मार्जरीन जरूर यूज होता है, जो ना सिर्फ कैलोरी ज्यादा देता है बट ऑल्सो टॉक्सिक होता है नेचर में। और ऐसी भी स्टडीज हैं जिनके हिसाब से मार्जरीन या ट्रांस फैट कार्सिनोजेनिक है, मतलब वो कैंसर कॉज कर सकता है। इसके अलावा शुगर यूज होगा और सॉल्ट यूज होगा, क्योंकि इन तीन चीजों के बिना ब्रेड बन ही नहीं सकती। सो ब्रेड बेटर हुआ या रोटी? ओके ओके नेक्स्ट, वेट लॉस करने के लिए हमें राइस और वीट छोड़ के मिलेट्स खाने चाहिए, और अगर पूरी तरीके से नहीं खा सकते तो कम से कम आटे में तो कुछ ना कुछ मिला ही लेना चाहिए, तभी वेट लॉस होता है। देखो फैंसी, सभी ग्रेन्स का फाइबर कंटेंट, कैलोरी कंटेंट, ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑलमोस्ट सेम होता है। मल्टी ग्रेन्स को खाने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि उससे वेट लॉस होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं होता। लेकिन मल्टी ग्रेन्स खाना जरूरी है क्योंकि सभी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स का प्रोफाइल डिफरेंट होता है। जैसे कि रागी के अंदर कैल्शियम ऑलमोस्ट चिकन और एग से भी ज्यादा होता है, और कॉर्न में विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। तो मल्टीग्रेन आपके डाइट में इंक्लूड करने का पर्पस वेट लॉस नहीं, हेल्थ होना चाहिए। और इसके अलावा आपको ग्रेन जब आप इंक्लूड करते हैं तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आप कौन से जियोग्राफिकल कंडीशंस में रहते हैं, किस वेदर की आप बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाजरा इज वेरी हॉट इन नेचर, तो अगर आप गर्मियों में दिल्ली में उसे खाओगे तो आप सोच सकते हो कि क्या हालत होने वाली है। इन सारी चीजों के कॉम्बिनेशन को सोचकर ही आपको मल्टीग्रेन्स अपने डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, नॉट बिकॉज उससे कुछ मैजिक होने वाला है आपके वेट लॉस में, बट बिकॉज वो ओवरऑल हेल्दी होता है। ओके, देखो फोर्थ, ये वाला तो सही होना ही चाहिए, ऑलिव ऑयल बाकी ऑयल से बेटर होता है। ओके, ये वाला आई थिंक बहुत बहुत कॉमन है, तो इसको अभी क्लियर कर देते हैं। सभी फैट्स में, आई रिपीट, सभी फैट्स में सेम अमाउंट ऑफ कैलोरीज होती हैं, और उनका डिफरेंस जो है वो सिर्फ उनकी फैटी एसिड प्रोफाइल में होता है, और हमें सभी फैटी एसिड की जरूरत है। तो आपको कुकिंग के लिए कौन सा ऑयल यूज करना है उसका चॉइस इस चीज पर डिपेंड करना चाहिए कि आप कौन कौन से फैटी एसिड खाना चाहते हैं, जो कि हमें सभी के सभी चाहिए। तो यू शुड कीप चेंजिंग बिटवीन द ऑयल्स, बट स्पेसिफिकली ऑलिव ऑयल इज नॉट मेंट फॉर इंडियन कुकिंग। व्हाई? बिकॉज ऑलिव ऑयल या कोई भी ऑयल, अगर आप कुकिंग में, किस तरीके की कुकिंग में आप उसे यूज करने वाले हो, वो इस चीज पे डिपेंड करता है कि उसका स्मोक पॉइंट क्या है। स्मोक पॉइंट का मतलब कि किस टेम्परेचर पर वो टॉक्सिक हो जाने वाला है, क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, और ऑलिव ऑयल का स्मोक पॉइंट बहुत कम होता है। तो इंडियन कुकिंग के लिए तो ये बिल्कुल ही नहीं बना है, इसीलिए ऑलिव ऑयल सिर्फ सैलड ड्रेसिंग्स में यूज होता है। तो अगर आपको सैलड ड्रेसिंग करनी है तो चलेगा, लेकिन अगर आपको रोटी के ऊपर लगाना है या सब्जी बनानी है तो नहीं चलेगा। देखो, ज्यादा तो बनो नहीं तुम, ठीक है? जब आप वेट लॉस कर रहे हो या जब आप डाइटिंग पे हो तो थोड़ा तो हटके खाना बनता है ना। तुमको पता है तुम्हारे इस हटके के चक्कर में तुम्हारी मम्मी को कितनी परेशानी होती है? मम्मी की लंबी उम्र। हाँ जी मम्मा। बेटे, मनीषा के घर पे शिफ्ट क्यों नहीं हो जाते हो तुम? घर को तो तुमने सराय बना रखा है।
अच्छा सुन, राजमा चावल बना रही हूँ, खा लेगी ना? नहीं राजमा चावल तो नहीं, वो स्टीम वेजिटेबल बना दो ना मेरी। इतना तुम्हारे डाइट हो के ड्रम में नहीं खत्म होने, खून पी लिया तुमने मेरा। ठीक है बना दूंगी तेरी उबली हुई सब्जियां, चाट खा रखी है। ओके आई होप इस वीडियो में मैंने जो आपको समझाने की कोशिश की है वो आप समझ पाए। आपको हेल्दी रहने के लिए या वेट लॉस करने के लिए कोई स्पेशल डाइट पर जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ब्राउन राइस, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ और मैं ये भी नहीं कहती कि वो हेल्दी नहीं है, पर अगर आप सिर्फ हेल्दी रहने के लिए या वेट लॉस करने के लिए उसे जबरदस्ती मुंह बना के खाने वाले हैं तो उस चीज का कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एनीवे व्हाइट राइस और ब्राउन राइस में ज्यादा फर्क नहीं है। और एनीवे जैसे कि मेरी फेवरेट क्लाइंट हमेशा कहती है, ऑल राइस मैटर्स। वेट लॉस नुस्खों से नहीं टेक्निक से होता है, और अगर आपको वेट लॉस की सही टेक्निक समझनी है तो आप इन दोनों वीडियो को जरूर देखिए, इनके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। और नेक्स्ट वीक मैं आपको मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ऑलवेज रिमेम्बर आई लव यू अनकंडीशनली, बाय।